Good morning, children. Welcome to e-classes. 12th chapter, part 2 हम कर चुके हैं. Part 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ तक किया था कि एक बार इन लोगों ने, बच्चों ने ऐसी भूल कर दी कि बिना ट्रेनिंग लिए ये लोग दोपहर के समय जब सब घर पे सदस्य सो रहे थे, इन्होंने सोचा कि हम बिना बोले इनको क्या करते हैं, अपनी जो ट्रेनिंग ली हुई है या परीक्षा तालीम ली हुई है, घुड़सवारी थोड़ी बहुत की है, तो हम बाहर जाके अब अच्छे से घुड़सवारी स्पीड में करेंगे. ओके, तो इसका नतीजा ये आया कि छोटे भाई ने संटी लगा दी और घोड़ी जो है वो अतीत में चली जाती है, उसे अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं. और इसका नतीजा ये हुआ कि लेखिका महादेवी वर्मा जो हैं वो घोड़ी से गिर जाती हैं, तब जाके घोड़ी अपने आप को कंट्रोल कर पाती है और उसे याद आता है कि मैं वर्तमान में मेरे ऊपर जो है मेरी मालकिन मेरे मालिक की बेटी सवार है. उसकी हड्डी टूट जाती है और बिस्तर पे काफ़ी दिन बैठना पड़ता है. अब काफ़ी महीनों के बाद बिस्तर से उठने के बाद लेखिका मिलने गई है घोड़ी से, और घोड़ी की आंखें जो हैं नम हैं बिल्कुल. उसे पश्चाताप हो रहा है कि मेरी वजह से इस बच्ची को कितना सारा नुकसान भुगतना पड़ा. पार्ट 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए क्या भेजे थे, सोने के कड़े. सामान्यतः मतलब नॉर्मली जनरली हम कोई भी नया कपड़ा लेके आते थे या आभूषण मतलब गहना, कोई भी नया कपड़ा कोई नया गहना लेके आते थे तो रानी को दिखाने अवश्य जाते थे. ये बचपन ही तो होता है. अब घोड़ी तो देख के खुश हो जाएगी लेकिन कुछ बोल तो नहीं सकती, और बच्चों में ये बचपन होता था, जिज्ञासा रहती थी कि हम जो भी वस्तु लाए हैं वो घोड़ी के साथ अवश्य घोड़ी को अवश्य दिखाएंगे. सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर, कैसा था उनकी जो डिज़ाइन थी वो कैसी थी, शेर के मुंह के जैसी मोटे मोटे कड़े थे. भाई भी रानी को दिखाने गया. न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में, सतर्क मतलब अलर्ट, उसके कान क्या हैं काफी खड़े हैं, ऐसी उसकी प्रकृति ने या ईश्वर ने उसके कान ऐसे बनाए हैं, खड़े कान लंबे से, कानों में वलय की तरह पहन कर आया. वलय मतलब कोई गोला का वस्तु, जैसे हम अपनी कलाई पे क्या पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, ऐसे ये जो कड़ा था, दो सुंदर छोटे छोटे सोने के कड़े थे, नानी ने भेजे थे लेखिका के छोटे भाई को जन्मदिन की भेंट के रूप में. वो दिखाने गया और इतना बचपन था उसमें कि अनजाने में ही सही उसने अपने घोड़ी के कानों में क्या कर दिए, पहना दिए. फिर हम सब खेल में कड़ों की बात तो भूल ही गए कि कड़े गए कहाँ. संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर, रहित मतलब खाली, कड़े के बिना हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई. खोज मतलब खोजना, और कहीं भी कड़ों का पता ही नहीं चला कि गए कहाँ. अब बच्चे भूल गए खेल खेल में, और माँ ने देखा कि इसके हाथों में कड़े तो हैं नहीं. रानी अपने कानों को खुरों से खोदती, खुरों से मतलब अपने पैरों से खोदने की कोशिश कर रही थी. पता है ना, जानवरों के पैरों में नीचे चमड़ा लगा रहता है, वहाँ वो अपने पैरों से खोदने की कोशिश करती, एक जगह बताती और हिनहिनाती रही. हिनहिनाने का मीनिंग पहले भी बता चुकी हूँ, अपनी गर्दन पूरी की पूरी झुला झुला के या हिला हिला के वो आवाज़ें निकालते हैं और कुछ अपनी भावनाएं प्रकट करने की जानवर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें कोई इशारा करना चाहते हैं. अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर चला ही गया. उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया. जहाँ पे वो बता रही थी ना, इशारा कर रही थी घोड़ी, वहाँ पे कहा कि यहाँ की मिट्टी को क्या किया जाए, खोदा जाए. किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोद के दोनों कड़े उसमें गाड़ दिए थे मतलब मिट्टी खोद के उसमें डाल दिए थे और ऊपर मिट्टी रख दी थी. दंड तो किसी को भी नहीं मिला, दंड मतलब सजा, पनिशमेंट, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई. अब ये जो घोड़ी है उसके पास बोलने की ताकत तो है नहीं, इसलिए वो अपने गर्दन से जोर जोर से आवाज निकाल के इशारा कर रही थी. अर्थात किसी ने या किसी नौकर ने वो कड़े जो थे दोनों के दोनों, बच्चा भूल गया था उसके कानों में, अब नौकर ने या किसी ने भी उसके कानों से निकाल के एक जगह क्या कर दी, खुदाई कर दी जमीन में, और उसमें कड़े खोद के डाल दिए, गाड़ दिए और ऊपर मिट्टी लगा दी, क्योंकि उसे लगा कि किसी का ध्यान जाएगा नहीं और जब सब कड़े भूल जाएंगे तब मैं यहाँ से निकाल के रख दूंगा. लेकिन रानी बड़ी तेज थी, भले उनमें प्राणियों में बोलने की शक्ति नहीं होती लेकिन उनकी सिक्स्थ सेंस बहुत ही तेज पाई जाती है, अर्थात बुद्धि, है ना. इस प्रकार रानी सबके हृदय में समा गई.
कि रानी की वजह से उसने देख लिया था कि किसी ने कड़े छुपा के रखे हैं खड्डे में, खड्डा खोद कर जमीन में। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है, विचित्रता मतलब बहुत ही अजीब, और स्मरणीय यादगार। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। ये कहाँ था, कह कह के हमने रामा को इतना थका दिया। उसने निरुपाय घोषणा की, निरुपाय मतलब जिसका कोई इलाज ना हो, निर उपाय जिसका कोई उपाय इलाज सॉल्यूशन ना हो। इतना हैरान कर दिया रामा को कि उसने सोचा अब मुझे बताना ही पड़ेगा। घोषणा मतलब अनाउंसमेंट कर दिया कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खा के सो रहा था। पता, बच्चे थे, बचपना था, अनजान थे इन सब चीजों से, तो पता पूछ रहे थे कि ये घोड़ा कहाँ पे बैठा था, कहाँ से आया। तो आखिरकार रामा को ये बताना पड़ा कि ये कहाँ पे सोया पड़ा था, रानी के पेट में दाना चारा खा के सो जाता था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी हैं, रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। छोटा भाई था, उसने अनजान में पूछ लिया कि और भी पड़े हैं तो और भी निकालो, तो रामा ने कहा हाँ और भी हैं। अब तो हम विस्मित भी हुए, विस्मित मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतने दिन पेट में कैसे पड़ा था। क्रोधित भी हुए, ये छोटे जीव कोई काम धंधा तो करते ही नहीं है, हमको पीठ पे बैठा के दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं ही खा लेते हैं और पेट में ही लेटे रहते हैं। हमको सवारी कौन कराती है, इतनी मेहनत कौन करती है, रानी। और जो उसको दाना चारा या घास खिलाई जाती है वो कौन खा लेते हैं, इन ये छोटे छोटे बच्चे। तो गुस्सा आ गया। भाई ने कहा रानी के का पेट चीर कर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लेते हैं। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे भाई बहन बैठेंगे। अब जो छोटे घोड़े होंगे ना उस पे छोटे भाई बहन बैठेंगे, और रानी के ऊपर कौन बैठेगा, जो बड़े भाई बहन हैं। और रानी मेरी सेवा में रहेगी, मेरी सेवा में मतलब लेखिका की सेवा में। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल, प्रस्ताव मुझे भी जान पड़ा उचित लगा। पर जब एक दोपहर को वह वहीं से कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, शाक काटने का ये बड़ा भाई जो है लेखिका का, वो उसने एक्चुअली प्रस्ताव रखा था कि रानी मेरी सेवा में रहेगी, अर्थात उस भाई की सेवा में। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मिस्टेक हो गई। भाई ने ये प्रस्ताव रखा था कि रानी जो है मेरी सेवा में रहेगी, तो लेखिका ने कहा कि हाँ ये जो प्रपोजल है तुम्हारा बिल्कुल बराबर है। और छोटे भाई बहन किसके ऊपर बैठेंगे, जो छोटे छोटे घोड़े के बच्चे हैं। कहीं से शाक काटने का, शाक मतलब सब्जी काटने का चाकू लेकर आया कि इससे उसका पीठ चीर कर एक और घोड़ा बच्चा निकाल देंगे। तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया, साहस मतलब हिम्मत ने। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया, आखिरकार हम रानी का पेट सियेंगे कैसे, कहा चीर तो देंगे और घोड़ा बच्चा छोटा निकाल देंगे, लेकिन सिलने का काम कैसे करेंगे वापस। माँ की ये महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था, महीन मतलब बिल्कुल छोटी सी, छोटी जो सुई होती है हम कपड़े सिलते हैं उससे तो नहीं सिल सकते, क्योंकि रानी का पेट बहुत मोटा चौड़ा है। टाट सोने का बड़ा सूझा रामा अपनी कोठरी में रखता था। टाट सीने का मतलब कोई बड़ी बड़े मोटे मोटे वस्त्र सीने का चाकू रामा अपने कोठरी में रखता था। कोठरी मतलब जहाँ पर रामा सोता था, रहता था, जहाँ हमारी पहुँच ही नहीं थी। पहुँच नहीं थी मतलब छोटे बच्चे उसको हाथ में न ले लें, इसलिए वह ऊपर रखता था। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु, अश्व मतलब घोड़ा और शिशु मतलब बच्चा, ये घोड़े का बच्चा कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। अब कोई सॉल्यूशन तो था नहीं कि पेट चीर कर, चाकू से पेट चीर कर हम घोड़ा तो निकाल लें, लेकिन सियेंगे कैसे। और बड़ा चाकू हमारे, बड़ा जो सूजा है, सूजा मतलब बड़ी जो सुई है उससे, वो हमारी पहुंच के बहुत ही दूर है, हम वहां पहुंच नहीं सकते। तो ये समस्या थी। अब इन्होंने इस पर ये धीरे धीरे क्या हो गए, प्रस्ताव को भूल गए, प्रपोजल को भूल गए और क्रोध को भी भूल गए। वो बच्चा जो घोड़ी का था, रानी का था, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, उसके साथ हिलने मिलने में, खेलने में, ये सब बातें भूल गए। ये था हमारा रानी चैप्टर का पार्ट 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीनिंग दोनों एक साथ, है ना। मीनिंग्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं एक एक शब्द के, वो अपनी पेंसिल से इसमें टेक्स्ट बुक में ही लिखते जाएंगे। चलिए अभी हम कर लेते हैं शब्द समूह, जैसे हर बार करते हैं। अनुकंपा, भावना प्रकट करना, विस्थापित, स्थान से छूटा हुआ, अस्तबल, घोड़ों का आवास, ये वर्ड बहुत बार आया है, अस्तबल। मुहावरे दो दिए, ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर, तीन चार वाक्य में उत्तर करने हैं जितने दिए हैं।
शब्द समूह के लिए एक शब्द। थर्ड क्वेश्चन, ज्ञान में वृद्धि करने वाला ज्ञानवर्धक, चैप्टर में हम कर चुके हैं, हमारी ज्ञान को बढ़ाने वाला, इंक्रीमेंट करने वाला ज्ञान में, बच्चे सरलता से कर सकें ऐसी प्रवृत्तियां बाल सुलभ, घोड़े पर बैठ के की जाने वाली सवारी घुड़सवारी, वृद्धार्थी शब्द, अपराधी निरअपराधी, आगे हम क्या लगा देंगे निर, अ की जगह क्या लग जाएगा र, निरअपराधी अ हट जाएगा, प्रसन्नता अप्रसन्नता, दंड पुरस्कार। ओके, यहां तक आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क करना है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू बेटे।